दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ कि उनका संघर्ष सफल रहा। आज सुबह दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जो 2 जुलाई को इशू हुए गलत ट्रांसफर ऑर्डर, जिसके तहत 5,000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया गया था, आज इस ऑर्डर के माध्यम से उस ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी गई। क्या है इस ट्रांसफर ऑर्डर की सच्चाई? क्यों किए गए ये ट्रांसफर? क्यों रात को 1:30 बजे एक बारी में 5,000 से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए? इस 2 जुलाई के ट्रांसफर ऑर्डर को समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आई है, पिछले 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आए हैं, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब से गरीब बच्चे जेई और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसी शिक्षा क्रांति भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा शासित किसी राज्य में नहीं ला सकी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, इन सब राज्यों में सरकारी स्कूल जिस टूटे फूटे हाल में हैं, गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसकी 10 साल की मेहनत से आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, उनके नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। स्कूल से माता पिता अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की यह शिक्षा क्रांति हजम नहीं हुई। जो 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव आया है वो हजम नहीं हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा कि जो शिक्षक पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति में शामिल हैं, जो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना रहे हैं, उन 10 साल से मेहनत करने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का एक बार में तबादला कर दिया जाए। 11 जून को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा एक सर्कुलर निकाला जाता है, वो कहता है कि कोई भी शिक्षक अगर 10 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका कंपल्सरी ट्रांसफर होगा। यह दिल्ली सरकार के इतिहास में कभी नहीं हुआ, यह दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन 10 साल से एक स्कूल में मेहनत करने वाले टीचर को कंपल्सरी ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाता है। 28 जून को मैं डायरेक्टर एजुकेशन को बुलाती हूं और कहती हूं इस ऑर्डर को वापस लो। 1 जुलाई को यही आदेश मैं डायरेक्टर एजुकेशन को लिखित में देती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की अच्छी परफॉर्मेंस देख के सहन नहीं कर पाती और अपने एलजी साहब के माध्यम से 2 जुलाई को रात के बीचों बीच 5,000 सरकारी स्कूल के टीचर्स का तबादला कर देती है। ये तबादले सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत हुए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने के लिए। 2 जुलाई को जब यह आदेश आया तो टीचर्स परेशान हुए, बच्चे परेशान हुए, बच्चों के माता पिता परेशान हुए। 2 जुलाई को मैंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था, दिल्ली के टीचर्स से वादा किया था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिता से वादा किया था कि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र रच ले, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, इस शिक्षा क्रांति पर रोक नहीं लगने देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो चाहे वो
दिल्ली के टीचरों का संघर्ष हो, माता पिता का संघर्ष हो, हमारा संघर्ष हो, आज भारतीय जनता पार्टी को अपने एलजी साहब के माध्यम से इस ट्रांसफर के आदेश को वापस लेना पड़ा। यह ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की जीत है, यह दिल्ली वालों की जीत है। यह ऑर्डर जो शिक्षा विभाग से निकला है, इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र कर ले दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों के लिए लड़ती रहेगी। हमें चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार की शिक्षा क्रांति को रोकना चाहते हो, तो मैं आपको एक सुझाव देती हूं कि उससे बेहतर काम करो। आपकी इतनी राज्यों में सरकार है, अगर आपको लगता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हैं, तो आप हमसे अच्छे सरकारी स्कूल बना के दिखाओ, आप यूपी में बना के दिखाओ, आप मध्य प्रदेश में बना के दिखाओ, आप गुजरात में बना के दिखाओ। आप क्यों दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करना चाहते हैं? आप क्यों दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करना चाहते हैं? और मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बता दूं कि चाहे आप कितने भी षड्यंत्र रच लीजिए, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमें कितना लड़ना पड़े, हम दिल्ली वालों के सभी काम करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।